वी विल जस्ट स्टार्ट विद पेयर, जो प्री सर्विस है उनको हम शुरू कर देते हैं, ताकि तीन तीन गाने हैं, ताकि टाइम जो है उसका यूज करें, जब जैसे जैसे लोग आते हैं वो गाना सुनते रहें। ठीक है, तो जी पादरी अजय आप किससे कह सकते हैं दुआ करें? शक्ति, आर यू जी रेडी? हाँ, तो हाँ हाँ तो आप किसको कहिए दुआ करके हम प्री वर्शिप शुरू कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड परवेज एडवर्ड, आप प्रार्थना में अगुवाई करें हमारी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, एक दफा फिर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते हफ्ते बीती रात हमें मीठी नींद दी, हर खौफ खतरे से बचाकर अपनी पनाह में रखा प्रभु, और आज ये सबक का दिन दिखाया प्रभु। हम सब मिलके जबकि प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुविधा के लिए जो आपने हमें मुहैया कराई है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं शुरू से लेकर अंत तक खुदावा आप इसमें कोई भी परेशानी ना हो और ये आराधना आपके नाम से पूरी होने वाली हो सके प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुए के लिए जो खुदावा प्रचारक हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपने महफूज पंखों में रखें और उन्हें बुद्धि दें कि जो भी प्रचार करें वो पूरे खुदावा समाज के लिए अच्छा एक प्रचार होने वाला हो सके प्रभु। खासकर प्रार्थना करते हैं हमारा देश जबकि इस महामारी से लड़ रहा है प्रभु, आप इससे हमें नजात दिलाएं, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं गीतों का गाया जाना, वचन पर मनन किया जाना, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो आगे के सारे समय को, और खुदा बाप अपने प्रीचर को और खुदा बाप अपने जो खुदा बाप गाइड करते हैं उन सबको आपके हाथों में देते हुए ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सर अनम्यूट करें। सो वी विल बिगिन आवर प्री वर्शिप। जैसे जैसे कि लोग जुड़ते जाएंगे हम वो गाना सुनेंगे और प्रभु का जयगान करेंगे। अभी जो भी हैं, अभी तक हम 23 हैं, तो सबका मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर शक्तिमल, आप गाना चालू कर सकते हैं।
चलना जाऊं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर द नाइस सिंगिंग. एंड नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग बाय पास्टर पीटर हंस, क्योंकि आज हिमाचल का धौलाधार का है. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की. मैं परमेश्वर का दास और आप सबका भाई खुदावंद यीशु की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें, कोर्स गाएं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, क्योंकि शांति का दाता केवल खुदावंद यीशु मसीह है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें. मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम हम पर भी यीशु कृपा करनो, हम पर भी यीशु कृपा करनो, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। अभी एक वेरी स्पेशल गाना हम सुनाएंगे आपको, इस बाय अनीता, अनीता सनी, पादरी विनय सनी की सिस्टर है। शी इज इन द यूएसए एंड आई ऑलवेज फील कि हमने अमृतसर डायसिस से अनीता को यूएसए भेजा है एज ए मिशनरी, एंड सी गॉड हैज गिवन हर वेरी गुड वॉइस। तो यू कैन गो टू यूट्यूब और आप जो अनीता जी के गाने आप वहाँ यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो लास्ट वीक एक गाना हमारे लिए भेजा उसको हम अभी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, अनीता सनी। यीशु की रूह का जलवा, जलवा 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 जलवा, यीशु की रूह का जलवा, मुझे अपनी रूह से भर दो, तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ, मुझे अपनी रूह से भर दो, तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ। मेरे खुदावंद मेरे खुदा, मेरे खुदावंद मेरे खुदा, रुकी आग में जलना चाहता हूँ, मुझे अपनी रूह से भर दो, तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ, मुझे अपनी रूह से भर दो, तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ। Should be
ऐसा मुझ पे करम कर दो। रू के फल और गुणों से यीशु, रू के फल और गुणों से यीशु, जीवन मेरा भर दो, मुझे अपनी रूह से भर दो। तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ यीशु, अपनी रूह से भर दो, तेरी रूह का जलवा चाहता हूँ। जलवा 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 यीशु के जलाल का है। जलवा 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 यीशु के जलाल का है। ब्यूटीफुल, वी आर सो प्राउड कि हमारे डायसिस का, और आज क्योंकि एप्रोप्रिएट है, आज धौलाधर का टर्न है और धौलाधर की बेटी जो है वो आज हमारे लिए गाना प्रस्तुत किया है। एंड सी एज इफ से न्यू, मुझे नहीं लगता कि सी न्यू, बट सी जस्ट सेंड अस द सॉन्ग इन टाइम। और पादरी विनय, आप जरूर अपनी सिस्टर को अनिता को हमारे तरफ से थैंक यू कह देना। लेटर कीप सेंडिंग द सॉन्ग्स एंड विल, जब भी पॉसिबल होगा जरूर हम सबको सुनाएंगे। सबको फिर से जय मसीह की, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इट्स सो वंडरफुल दैट वंस अगेन हम सब मिलकर खुदा की महिमा और प्रशंसा कर पा रहे हैं, जबकि इंडिया में दिन व दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी टू डेज वी आर क्रॉसिंग 1 लाख अब केसेस। मुझे सारे डिटेल्स तो पता नहीं है, पर अमृतसर इट वाज काइंड ऑफ 40 रेंज पे था, अभी तो ये 100 के ऊपर भी चला गया। एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग। और इवन जो चंबा चर्च के बारे में आपने सुना कि एक बरियल के बाद इनिशियली 4 पीपल वर पॉजिटिव, देन फ्यू मोर, पादरी शमशेर, उनकी वाइफ सोफिया, और कल जो है 40 मोर वेर टेस्टेड पॉजिटिव, जिसमें कि 3 मेंबर चर्च के थे, बाकी की तो अभी तक टेस्टिंग भी हुई नहीं। जो अलार्मिंग है ये भी कि मुझे पता चला कि देयर आर मोर देन 60 पीपल इन द बरियल, व्हिच इज आई डोंट नो कि कैसे ये अलाउ किया गया, पर हाउ वी हैव सब्जेक्टेड आवर पीपल टू दैट काइंड ऑफ डेंजर, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पास आए और अपने दिलों को खोलें, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा भरोसा, अभी इट्स ओनली गॉड who can save us and our country and this world. तो आज का जो विषय है, the theme that God cares for those who are burdened, कि खुदा उनकी सहायता करता है, उनके लिए केयर करता है, जिनके मन में बोझ, जिनके ऊपर बोझ है। और आज धौलाधर का जो एरिया का चेयरमैन वो रेवेंट अजय, मैं उनको हैंडओवर करता हूं। आई विल नॉट बी अनाउंसिंग एनी मोर, नाउ इट इज रेवरेंट अजय सिंह। रेवरेंट अजय, आप अनम्यूट कीजिए और प्लीज टेक ओवर। रेवरेंट अजय, ओके, आई डोंट नो, ओके, लेट मी कैरी ऑन। तो प्रारंभिक प्रार्थना रेवेंड विनय सैनी करें। यस रेवेंड अजय। यस सर, एम आई ऑडिबल? यस, ओके, यस सर, मेरी ओर से अनम्यूट था वहां से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये दिन हम सबके जीवन में जोड़ा और हम सब आज की आराधना का हिस्सा बन सके। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय बिशप साहब जी का,
जिन्होंने हमें धौलाधार रीजन को ये मौका दिया कि हम आज की वर्शिप को लीड कर सकें। तो आइए मेरे अजीजों, हम आज की आराधना प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड विनय सनी से, जो सेंट जॉन चर्च पालमपुर के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड विनय सनी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबकी जिंदगियों में दिया, ताकि आज पाक सब्बत के दिन में प्रभु जी हम सब लोग मिलकर आपके नाम की हमदोस्ताइश करने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, आपके नाम को महिमा देने पाए। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी, आज की इस परिस्थिति में भी प्रभु जी आपने रास्ते खोले हैं कि प्रभु हम इस जूम सर्विस के द्वारा एक दूसरे से प्रभु जी बातचीत कर रहे हैं, और प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी सुन रहे हैं और रूहानी खुराक से शेर हो रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी इस माध्यम के लिए जो आपने आज के युग में प्रभु जी हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु जितने भी लोग हर वक्त हमसे जुड़ते हैं और इस वर्शिप में प्रभु जी वे शामिल होते हैं, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं उन सारी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो प्रभु जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं और प्रभु जी जुड़ रही हैं, उन सबको प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी बताएं से आशीष देना। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन यूथ के लिए प्रभु जी, जो यूथ के बच्चे हमसे हम इस वर्षिप में जुड़े हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी आज के दिन। प्रभु जी उनके ऊपर भी बताई से आशीष देना प्रभु। प्रभु धन्यवाद करना चाहते हैं बच्चों के लिए, जो माता पिता के साथ छोटे बच्चे बैठकर प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी इस वर्शिप में भागीदारी ले रहे हैं। प्रभु जी बच्चों को प्रभु जी आप अपने आशीष देना, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु जी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु प्रभु इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के पाठ के लिए जो प्रभु जी पढ़ा जाएगा, प्रभु जी उसमें भी प्रभु जी आपका प्रभु जी आशीष से भरा हुआ हाथ चाहते हैं। प्रभु जी आज के प्रवक्ता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वे प्रभु जी बोलते हैं हमारे बिशप और तेरे दास के लिए प्रभु जी, तो प्रभु उनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा का जो मसा आपने दिया है प्रभु जी, प्रभु आज के दिन वो अपने द्वारा प्रभु जी हमसे कोई बातचीत ना करने पाए, लेकिन प्रभु जी आपका रूह जो उनके हृदय में डालता है आज वे हमसे बातचीत होने पाए, ताकि हम तेरे वचनों से निहाल होकर अपनी जिंदगियों को तरोताजा करने पाए और आपके वचनों के ऊपर चलने पाए। और प्रभु जी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने भी प्रभु जी प्रेज एंड वर्शिप में भाग लिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो प्रभु आज के दिन धौलाधार के सारे पासवानों के लिए और प्रभु जी उनके सारी टीम के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब वो लीड करते हैं वर्शिप में प्रभु, तो प्रभु उनके साथ होइएगा, और जितने भी प्रभु जी हमारे ले लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट है उनको आशीष दीजिएगा। मैं सारे पासवानों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो प्रभु जी डायसिस ऑफ अमृतसर या अन्य जगह से जुड़े हैं, प्रभु आप उनको भी बहुतायत से आशीष दीजिएगा, और मैं आपके चलारी हाथ मजबूत करता हूँ। ये मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के वसीले, आमीन। थैंक यू रेवरेंड विनय सनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये समय है प्रेज एंड वर्शिप का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डलहौजी और बकलो की कांग्रीगेशन जिनको लीड कर रहे हैं भाई रिचर्ड एंड इवेंजलिस्ट आजद मसीह, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप, आइए हम उनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। आइए हम अपने आप को खुदावंद की उपस्थिति में लाएं, सर्वव्यापी सर्वगुण अब्बा के हम सम्मुख लेके अपने आप को आए, सर्वसमर्थी परमेश्वर को अपने आप को सुनें। हम कुछ समय परमेश्वर की सताइश करेंगे, पूर्ण हृदय की गहराई से अपने आप को खुदावंद को देंगे,
अभी तो शास्त्र में लिखा है जो आत्मा सच्चाई से खुदावंद की आराधना करते हैं वही परमेश्वर को पसंद है। आइए हम अपने आप को पूर्ण खेते की कराई से परमेश्वर को दें और खुदा की हम तो सताइश करें। Thank you.
आज हमारे जीवन में व्यापार कृपा हो जाए। सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुंदर गीत के लिए। अब मेरे अजीजों, ये समय है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है, लेकिन जब हम अपने पापों का इकरार करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे पापों को माफ करता है। और इस समय हम रेवरेंड वीपी सिंह से, जो कि सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, गुनाहों का इकरार हम उनके साथ मिलकर करेंगे। जय शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता,
हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप, हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड वीपी सिंह जी हमारी अगुवाई करने के लिए। आज का वचन का थीम जो है वो आरंभ में बिशप साहब जी ने हमें बताया है, और वचन में जाने से पहले मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से हम वर्शिप में जाएंगे। आइए हम एक और सुंदर सा गाना हम लोग सुनेंगे और मिलके हम प्रभु की स्तुति करेंगे। ये गाना बहुत ही सुंदर है और आइए हम अपने अपने स्थानों में मिलके प्रभु की स्तुति सुंदर गीत के द्वारा करेंगे। Now
आमीन। थैंक यू मनाली चर्च की कॉन्ग्रीगेशंस, वहां की यूथ के लिए, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डलहौजी और बकलो की कलीसिया के लिए, उन जवानों के लिए जिनको गाते हुए हम सुन रहे थे इस सुंदर गीत के लिए, और भाई रिचर्ड का, भाई आजत का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये समय है बाइबल पाठ का, और आज का वचन जो है वो लिया गया है मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 25 से लेके 30 आयत तक, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 25-30। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिसेस शोभा मैथ्यू से, जो डलहौजी की रहने वाली हैं और सेंट जॉन चर्च की सेक्रेटरी हैं, वो बाइबल पाठ में हमारी अगुवाई करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 11वां अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद तक मैं आपके मध्य पढ़ूंगी। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज चैप्टर 11 वर्सेस 25-30। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखी और बालकों पर प्रकट की हैं। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले, आमीन। थैंक यू मिसेस शोभा मैथ्यू बाइबल पाठ में हमारी अगुवाई करने के लिए। अब ये समय है मेरे अजीजों वचन में जाने का, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मेरे लिए बहुत ही ये सौभाग्य है, खुशी का मौका है कि आज का वक्ता के बारे में बताने के लिए, और आज के जो प्रचारक हैं वो हमारे आदरणीय बिशप साहब जी हैं, और जिनके द्वारा बीते समय हमने बहुत सारे ऐसे वचन सुने जिनसे हमें प्रेरणा मिली और सुंदर विचार सुनने को मिले, और आज का वचन भी वो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले हम अपने आप को प्रार्थना में तैयार करेंगे, उस आत्मा में तैयार करें कि जो वचन आज हमारे हृदय में बोया जाता है वो हमारे हृदय में और हमारे मन की गहराइयों में उतरे, और उसके द्वारा हमारा जीवन जो है वो सफल हो, और लोग हमारे जीवनों को देखते हुए आगे बढ़ सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस समय मिस्टर सुरेश असगर से, जो सेंट जॉन चर्च पालमपुर के सेक्रेटरी हैं, वो प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सबत के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में दिया। बीते सप्ताह में आपने हम सबको संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। आज के दिन विश्व भर में जहाँ कहीं भी आपके नाम की पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं हो रही हैं, पिता परमेश्वर आपका समर्थ वहाँ पे हो पिता परमेश्वर, खासतौर पर डायसिस ऑफ अमृतसर के बीच में, जब पिता परमेश्वर जब हम सब लोग इकट्ठे ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, पिता परमेश्वर होने दीजिए आपका समर्थ हम सबके साथ हो, हमारे ऊपर हो, खासतौर पर पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे बिशप साहब हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, पिता परमेश्वर आप अपने दास को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अपना मसा देना, ताकि आपके दास के द्वारा जो भी वचन हमें मिले पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में अंकुरित होकर आपकी महिमा का कारण बन सके। हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर के तमाम पासवान और पितने पिता परमेश्वर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं पिता परमेश्वर, आप उन सब के ऊपर अपना आशीष बरकत वाला हाथ बनाए रखना। हमारे डायसिस को पिता
परमेश्वर आप उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं पिता परमेश्वर, आप हमारे बिशप साहब की अगुवाई के बीच में पिता परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, पूरे समय महिमा को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को आप ही के प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। पहले बिशप मैसेज में मैं उन्हें निमंत्रण दूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बिशप साहब मैसेज दें उस समय आप कोई भी टाइप ना करें, सिर्फ प्रार्थना की विनती अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस समय करें, ताकि जब हम मैसेज को सुनते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट ना हो सके। आगे का समय मैं आदरणीय बिशप साहब जी के हाथों में सौंपूंगा। थैंक यू पादरी अजय, और फिर से सबको जय मसीह की। बोझ या बर्डन, इसके साथ हम सब परिचित हैं। अभी सारी पृथ्वी जो है एक COVID-19 की बोझ को लेकर बैठी है, और हम भी अपना अपना बोझ लेके हैं। मैं हमेशा याद करता हूं जबकि वो गाना, हम सबको पता है इंग्लिश गाना, दैट ही हैज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड, कि सारी पृथ्वी को खुदा जो है अपने हाथ में रखा है। एंड सो गॉड इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड। और आज एक्चुअली ओरिजिनली ये निर्णय हुआ था कि जो प्रचारक होंगे वो हमारे जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, जो कि खुद COVID-19 की जो मरीज हैं उनकी सेवा करते हुए खुद पॉजिटिव हुए और अभी निकल भी गए बाहर। तो ही वाज सपोज्ड टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, वो उनका आज प्रचार था, पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो हमारे साथ आज रूबरू नहीं हो पाए। तो आज मैं सिर्फ नहीं कहने जा रहा हूं, पर मेरे साथ और दो भी आज जुड़ेंगे। सो वी विल बी शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म, कि हम तीन मिलकर जो है जो भी प्रभु हमें कहता है आप सबके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो बर्डन या बोझ जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो फिजिकल या शारीरिक हो सकता है, कि जैसे कि हमें बीमारियां होती हैं और कुछ के लिए फिजिकल चैलेंजेस हैं, शारीरिक रूप से कुछ अंग काम नहीं करते हैं। बाकी आत्मिक तो है ही, पाप का बोझ तो सबको है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक जो है द होल ह्यूमैनिटी जो है वो पाप का बोझ लेकर चल रही है। सो वी हैव द फिजिकल बर्डन, द स्पिरिचुअल बर्डन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्डन है कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल बर्डन है जिसमें कि इमोशंस इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में मैंने एक यंग साइकोलॉजिस्ट को कहा है कि हमें थोड़ा फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड बर्डन, कि हम बोझ को कैसे समझते हैं। मिसेस मारकी सामंतराय बनर्जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं खासकर बिशप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे कुछ चीजें शेयर करने का मौका मिला है। और कल जब मुझे ये पता चला तो मेरा तो इमोशनल, मेरा साइकोलॉजिकल बर्डन थोड़ा बढ़ गया, मेरा मानसिक जो बोझ है वो बढ़ गया, जिसके लिए मुझे थोड़े नींबू पानी की जरूरत है, थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा उसके लिए। मेरे जो चॉइस है और मेरी पसंद है या मेरे बॉडी की जो जरूरत है उसके हिसाब से आधा नींबू मेरे लिए काफी है। हो सकता है आप में से किसी को ज्यादा हो जरूरत हो या कम जरूरत हो। चीनी मेरे लिए हिसाब से आधा चम्मच काफी है। अब नमक स्वादानुसार, लेकिन हो सकते हैं हमें किसी के नेबर्स का कुत्ता बहुत भौंक रहा हो तो हम सोए नहीं हो तो थोड़ा उसका बोझ बढ़ जाता है।
हो सकता है छोटा बच्चा है आपके घर में जिसके वजह से सोने में दिक्कत आई हो या उसका थोड़ा बोझ है, हो सकता है रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका मुझे थोड़ा सा टेंशन है, हो सकता है बैंक लोन्स पे करने हैं उसकी टेंशन मुझे थोड़ी और है, स्ट्रेस है, चिंता है, धीरे धीरे मेरा बोझ बढ़ रहा है। अब इस नींबू पानी की ऐसी हालत हो गई है कि मुझे अब हिम्मत नहीं है कि मैं ये पी पाऊं। हो सकता है आप में से कोई हो जिसकी हिम्मत हो, आई एम श्योर बिशप साहब को दूंगी तो जरूर पी जाएंगे, लेकिन मुझे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो जो बोझ की हम बात कर रहे हैं, जो मानसिक बोझ की हम बात कर रहे हैं, एक चीज समझना जो बहुत जरूरी है वो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो मेरे लिए बोझ है हो सकता है आपके लिए ना हो या कम हो या ज्यादा हो। और ऐसे ही इसको समझने के लिए जो डिग्री है साइकोलॉजिकल बर्डन का या मानसिक बोझ की जो मात्रा है वो हर इंसान की महसूस करने की जो डिग्री है वो अलग होती है। जो पहली डिग्री होती है, जो सबसे ज्यादा डिग्री होती है, सिवियर या प्रोफाउंड, जो गंभीर डिग्री होती है, वो उसकी मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज कोई म्यूजिशियन है जिसको गिटार अपने साथ उठा के घूमना पड़ता है, जिसको गिटार का शौक हो उसके लिए वो बोझ नहीं लगेगा, उसके लिए वो माइल्ड सी डिस्कम्फर्ट है क्योंकि वो भारी होता है उठाना पड़ता है, तो वो माइल्ड या हल्का बोझ होता है। अगर हो सकता है कि कभी मेरी तबीयत खराब है और मुझे गिटार उठाना पड़ रहा है तो मेरे लिए वो मध्यम डिग्री का बोझ बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है लेकिन अभी भी मैं लाइफ फॉलो अपना जिंदगी बिता पा रही हूँ, चीजें कर पा रही हूँ, सुबह उठ पा रही हूँ, काम पे जा पा रही हूँ, रिश्ते निभा पा रही हूँ। लेकिन जब मुझे हो सकता है गिटार का शौक ना हो या मुझे ये कंपल्शन में सीखना पड़ रहा हो या अब मेरे ये बस की बात नहीं है तो वो मेरे लिए गंभीर बोझ का काम करने लगता है। और कभी कभी हमारी जिंदगी में ये गिटार है ही नहीं फिर भी उसका बोझ हमें महसूस होता है। ऐसा भी होता है कि फिजिकल कोई टैंजिबल चीज ना हो, कोई स्ट्रेसर ना हो या कोई ट्रिगर ना हो फिर भी हमें वो बोझ लगता है। रिचर्ड लैजरस की एक थियोरी हो, थियोरी ऑफ अप्रेजल, जिसमें वो कहते हैं कि जो बोझ को महसूस करने का जो सीमा है ये चार अलग अलग मात्रा नहीं, अलग अलग सीमाओं में, अलग अलग टर्म्स में डिवाइड होता है। पहली चीज है इंटेंसिटी, वो है मात्रा। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नॉइज या शोर की। अगर बहुत ज्यादा शोर होता है तो फिर वो बोझ बन सकता है। वही चीज अगर हल्की सी म्यूजिक हो या किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो वो बोझ ना हो, लेकिन अगर बहुत शोर हो रहा है और वो हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या उसके साथ हम उसको झेल नहीं पा रहे हैं तो वो बर्डन हो जाता है या बोझ हो जाता है। दूसरी चीज जो रिचर्ड लैजरस कहते हैं, ड्यूरेशन। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है जो कि थोड़ी देर के लिए है, वो इतना बोझ नहीं बनता है। हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो, उसको थोड़ा झेलना पड़ता है, लेकिन अगर वही चीज महीनों तक खिंच जाता है या सालों तक खिंच जाता है तो वो बोझ बन सकता है फिर। तीसरी चीज जो रिचर्ड लैजरस कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। कोई चीज अगर बहुत सिंपल है, म्यूजिक सिस्टम थोड़ा लाउड है उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, सिंपल चीज है, या अगर आपको टीवी नहीं देखना है ऑफ कर सकते हैं, सिंपल चीज है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जो दिमाग के अंदर का शोर है या सोशल प्रेशर का शोर है या फाइनेंशियल प्रेशर का शोर है, वो शोर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसका जो उलझन है वो ज्यादा उलझा हुआ होता है, उसकी बोझ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट जो रिचर्ड लैजरस कहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी या पूर्वानुमान। अगर हमें पता है या हमें लगता है कि ये चीज होने वाली है तो हम उस हिसाब से मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वो इतना बोझ नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई सडनली चीज आ जाती है हमारे सामने और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो वो बोझ कुछ लोगों के लिए बहुत भारी हो सकता है, जिसको कि वो फेस नहीं कर पाते हैं या जिसको वो झेल नहीं पाते हैं। ये है कि बोझ है क्या, साइकोलॉजिकल बोझ जो है, साइकोलॉजिकल बर्डन जो है, मानसिक बोझ ये है क्या। अब वापस आते हैं इस नींबू पानी में। अब ये पीने के लिए, इसको पीने लायक बनाने के लिए कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसमें थोड़ा और पानी मिला दिया जाए तो हो सकता है कि ये थोड़ा पीने लायक बन जाए।
जितना मैंने नमक डाला था उस हिसाब से थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी तो हो सकता है पीने लायक हो। अब ये नींबू पानी वर्ल्ड का बेस्ट नींबू पानी नहीं है, ये परफेक्ट नींबू पानी नहीं है, ये परफेक्ट जिंदगी नहीं है, ये भी चलेगा, ये हम शेयर कर लेंगे तो ये भी चलेगा। अगर थोड़े और हमारे पास साधन है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, विल पावर है, सोशल सपोर्ट है, तो हम थोड़ी इसमें और चीनी, थोड़ा और नींबू डाल के इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट नींबू पानी बना सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग साइकोलॉजिकली ट्रेंड नहीं होते हैं या साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, तो हम काउंसलिंग, थेरेपी, बायोफीडबैक ये सब चीजें ना दे तो बेहतर है। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि चाहे पानी डाल के नींबू पानी फीका भी हो जाए, अगर हम शेयर कर लेंगे तो वो बोझ उठाने में थोड़ी आसानी हो सकती है। अकेला बोझ उठाने की अगर कोशिश करेंगे और उस नीचे दबते रहेंगे वो हमारी ताकत को साबित नहीं करता है, लेकिन साथ में उठाएंगे तो मिलके वो जो ताकत मिलके आती है उससे हम इस बोझ को पी पाएंगे। तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन है ये मानसिक बोझ के बारे में। और मैं दोबारा से बिशप साहब को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका नींबू पानी जैसा भी हो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में मिल जाए या ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपका हो कि ये आप शेयर कर पाए। थैंक यू। थैंक यू स्मार्की। आई थिंक अभी हमें बहुत सरल भाषा में आपने बताया है कि बोझ क्या होता है, और जो खास बात है कि अब जब अपने बर्डन को शेयर कर पाते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। When we share our burden, we find people to share, their burden becomes lighter and bearable. Thank you so much. तो जब हम बोझ के बारे में सोच, एग्जाम्पल जैसे कि अभी नींबू पानी का एक एग्जाम्पल हमें दिया गया, एक डेमो दिया गया, तो मैं सोचता हूँ कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में काफी समय से कोशिश कर रहा था कि एक एग्जाम्पल हम लें ओल्ड टेस्टामेंट से कि जो कि हमें एक बोझ के बारे में बता सकता है। आई मीन देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, जैसे कि पाप के बारे में, बाकी इसराइल जो कौम है उनकी बोझ के बारे में, जो राज्य के बारे में, देर आर सो मेनी बर्डन्स दैट वी कैन सी इन अ बाइबल। पर एक जो सरल एक उदाहरण है मैं लेना चाहता हूं, द स्टोरी ऑफ रूथ। एक मामूली एक बहू जो कि जिन्होंने डिसाइड किया कि अपने सास के साथ जिंदगी बिताने, शी हैड द ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ दिस बर्डन, और बट देन उन्होंने जानबूझकर एक बोझ को अपनाया कि वो शी सेड दैट इफ आई डाई, इफ आई लिव और डाई आई विल बी विद यू। ओके, तो हम देखते हैं कि उनके जो बोझ थे दो टाइप का थे, एक तो एक इमीडिएट बोझ कि क्या खाना है। वी नो दैट शी वेंट टू द फील्ड ऑफ बोआज और वहां शी वाज ग्लीनिंग द जो जैसे कि हार्वेस्ट में जब अमल होता है फसल, तब जो गिर जाते हैं उसको अलाउ करते थे मालिक कि जो जिनके पास नहीं है वो आकर उठा ले। ओके, सो शी वेंट टू द फील्ड ऑफ बोआज और वहां वो उठा रही है जो भी गिरे हुए अनाज है, ताकि जो भूख है उसको वो फेस कर सके, अपने सास को खाना दे सके, खुद भी कुछ खाना खाए। एंड देन भविष्य का, देयर वाज ए बर्डन ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। और ये अभी जैसे कि हम कोविड 19 सिचुएशन में हैं, फ्यूचर इज सो अनसर्टेन कि वी आर रियली अफ्रेड, वी आर स्केयर्ड ऑफ अ फ्यूचर ऑफ फैमिली, कि हमारा परिवार का क्या होगा और हमारा चर्च का क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा। तो जो अनसर्टेन फ्यूचर का लेकर शी वाज वरीड। एंड देन व्हाट हैपेंस, इस स्टोरी में जो ब्यूटी है, एंड दिस स्टोरी रियली आई लव, मैं इवन वेडिंग सेरेमनी के टाइम में भी ये मैं रूथ को लेता हूँ, वेयर वी सी दैट बॉयज जो है उसके प्रति वाज का जो व्यवहार है, बर्ताव है, इतना अच्छा होता है
कि उसको वो एक कंफर्ट देता है. वी कैन जस्ट रीड वन वर्स, रूथ चैप्टर 2:13. इसको हम हिंदी में स्क्रीन में शेयर करेंगे. एंड मैं चाहूंगा कि रेवेंड अजय जो है उसको पढ़कर हमें सुना दे. रूथ चैप्टर 2:13. रेवेंड अजय आप पढ़ लें. I think ये English में लिखा गया है. Then she said, "Let me find favor in thy sight, my Lord, for thou hast comforted me, and for and that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens." इसमें आई थिंक वर्स 14 यहाँ है. वर्स 13 में जो है पढ़ लें तो अच्छा है. पादरी अजय आप पढ़े रूथ चैप्टर 2:13. ओके सर. या हिंदी में लिखा है सर इस प्रकार से. उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. उन्होंने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है. सर सर अनम्यूट करें. थैंक यू भाई साहब. जब हम बोझ में होते हैं तो कोई एक अच्छा शब्द बोल दिया, ओके, अच्छा सेंटेंस बोल दिया, कुछ बोल भी नहीं पाया तो अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, उसमें मुझे बहुत शांति मिलती है. तो रहता है पर उसमें एक आशा दिखाई देती है. एंड आई थिंक द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर फॉर रूथ was such a burden. I don't know how she managed to carry that. पर जब उसको दिखाई दिया रूथ को कि बोआज का हाथ उसके ऊपर आ रहा है, वो महसूस किया कि बोआज की जब कहना था उसमें कंफर्ट है, आराम है, आश्वासन है, उसमें एक भविष्य की आशा उसको दिखाई दिया. And I think this is how we see God's intervention in our situation. कि when God cares, we know कि खुदा हमारा care करता है, फिर तो हमारा burden burden नहीं रहता है. हम अभी चलेंगे New Testament के ओर, और you know we have the New Testament scholar always with us, Reverend Dr. Pratap Chandra Gain. तो I had requested him कि वो New Testament से हमें कहें कि बर्डन को हम कैसे डील करें. रेवेंड विजय कुमार का जो है ट्रांसलेशन करेंगे. रेवेंड डॉक्टर गायन एंड रेवेंड विजय कुमार. थैंक यू बिशप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. नाउ वी हैव रेड ऑलरेडी फ्रॉम मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 11 from verses 25 to 30, and we find a big contradiction in verses 28 and 29. और हमने अभी थोड़ी देर पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 25 से 30 तक पढ़ा, और हम जो दूसरी आयतें हैं 28 और 29 उसमें थोड़ी भिन्नता को देखते हैं. We have already discovered earlier that when Jesus talks, it has two meanings always, and you can take either this side or that side, and then you find sometimes confusion, sometimes you find solution. और हम देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और उनकी जो बात वो करते हैं उसके दो अर्थ होते हैं, और
आप उन दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं. Let us look at verse 28, and we find here that Jesus is welcoming. He is telling, "Come to me." And who to come? To Jesus. And who are to come? Those of you that are weary and carrying heavy burden. और हम 28वीं आयत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक न्योता दे रहे हैं और वो न्योता दे रहे हैं कि मेरे पास आओ. और वो किन को बुला रहे हैं? वो उनको बुला रहे हैं जिनके अंदर बोझ है. और वो कहते हैं कि ऐसा बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. So when somebody is invited with heavy burden, it is an expectation that this person would release them. But what we see in verse 29, take my yoke upon you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम इन अगर हम देखा जाए तो अगर हमारे अंदर कोई बोझ है और कोई हमें बुला रहा है तो हम देखते हैं कि हमें उस बोझ से वो छुटकारा देगा. परंतु यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, वो कहते हैं कि अपने बोझ को तो ले आओ परंतु मेरा बोझ तुम अपने ऊपर ले लो. So we find two things from two sides. One is come, all you are heavy laden, and then the other side, take my yoke. और पहली बात तो हम देखते हैं यहाँ पर, दो बातों को हम देखते हैं. प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं कि आओ और अपना बोझ मुझे दे दो, और दूसरी बात वो कहता है कि दूसरी ओर से मेरा बोझ तुम ले लो जो हल्का है. Does it not mean that those who are heavy laden should go to Jesus and Jesus will give again above all his own yoke? So how that person would be relieved and released, rather that burden would be more increased. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति बोझ में है और प्रभु यीशु मसीह उसको बुला रहे हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो, परंतु जो व्यक्ति एक पहले से ही एक बोझ में है और यीशु उसके ऊपर और अपना बोझ भी डाल रहे हैं, तो क्या इस परिस्थितियों में उसका बोझ हल्का होगा या और भी बढ़ता जाएगा? And when we are struggling in our mind, even in our spiritual journey, with this confusion, we need to look at the second part of verse 29. और जब हम इन दुविधा में, इन गुंचनों में हम पड़े हैं, तो हम अपने मन में इन बातों को सोचते हैं, तो हमें जो उसका दूसरा अर्थ है, जो अगली आयत का, उसकी ओर हमें जरूर सोचना चाहिए. And it says, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. और यीशु कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन का दीन हूं और तुम अपनी जिंदगी में आराम पाओगे. So it says you will find rest. So if we carry we are carrying burden and we are taking even the yoke of Jesus, there is a guarantee that we find rest. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहता है कि तुम आराम पाओगे, और इसके साथ हम देखते हैं कि चाहे हमारे अंदर एक बोझ है परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें एक शांति देंगे, हमें एक आराम देंगे. Now we have to see rest in three different ways. One is with the Christian understanding of salvation. Second one is justification. And third one is sanctification. और यहाँ पर हम तीन बातों को हम देखते हैं. पहले जो हमारी मुक्ति है, दूसरी हमारी शुद्धता है, और तीसरा हमारी पवित्रता. But in a simplest way, when we talk about the rest, it carries three meanings. और जब हम साधारण रूप से इस बातों को देखते हैं, ये तीन बातें हमारे साथ चलती हैं. And one is rest for refreshment, rest to fit
one's life. And number three is rest for encouragement. और पहली बात कि जो हमें आराम मिलता है हम उससे तरोताजा हो जाते हैं. दूसरा कि जो हमें आराम मिलता है उसके द्वारा हम आरामदायक बन जाते हैं. और तीसरा जो हमें आराम के साथ हमें एनकरेजमेंट हमें उत्साह मिलता है. सो वी हैव रेस्ट इन टू डिफरेंट वेज. वन इज द स्पिरिचुअल साइड सल्वेशन जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन एंड अनदर वन इज द फिजिकल साइड रिफ्रेशमेंट वंस फिटनेस एंड वंस एनकरेजमेंट. और इसके जो बोझ से आराम के दो पहलू हैं. पहला पहलू आत्मिक है जिससे हम शुद्ध हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं. और दूसरा और हम देखते हैं कि जो शारीरिक रूप से हम तरोताजा हो जाते हैं हम आराम पाते हैं अच्छे हो जाते हैं और उसके बाद हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं. सो व्हेन वी आर गेटिंग रेस्ट बोथ spiritual and physical, then what is the clue to find that rest? और जब हम देखते हैं कि हम वो दोनों प्रकार से शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी आराम पाते हैं तो उसको पाने का क्या जरिया है? And there is the clue and which we find in 29. Take my yoke upon you. और उसका जो जरिया क्या है वो यही है कि जो 29वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो. डोंट गिव माय योक टू समबडी एल्स डोंट पास इट ऑन बट टेक इट टू योरसेल्फ. और वो कहता है कि मेरा जो बोझ है वो तुम कहीं इधर उधर ना दे दो परंतु अपने ऊपर उसे तुम ले लो. एंड जीसस इज जस्टिफाइंग दैट योक एंड दैट इज इन वर्स 30. For my yoke is easy and my burden is light. और वो 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा बोझ है वो हल्का है और तुम उसे अपने ऊपर ले लो. So what we think is heavy, when we take it to the Lord, it becomes light. So he carries our entire burden and rather he makes us light. और जब हम अपने बोझ जो भारी है हम प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लेके जाते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उसको अपने बोझ हमें देता है तो वो हल्का हो जाता है. So Jesus defines the yoke in two ways. One is yoke is life and yoke is task. और यीशु मसीह बोझ को दो प्रकार से हमें बताते हैं. पहला ये बताते हैं ये जिंदगी के बारे में और दूसरा कार्य के बारे में. सेंट पॉल हैज अंडरस्टूड दैट वेरी वेल एंड देयरफॉर व्हेन ही राइट्स हिज सेकंड एपिसल टू द थेसलोनियंस इन चैप्टर 1:7 ही सेज दैट बिकॉज ऑफ दिस ट्रबल ही फाइंड्स relief in Jesus. और संत पौलुस इस बात को इस बोझ को बड़े अच्छे तरीके से वो समझे और जब उन्होंने अपनी पत्री पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बीच में जब उन्होंने इस बोझ को देखा तो वो अपने आप को हल्का एक आजाद महसूस किया है. एंड देन ऑन द अदर साइड व्हेन वी सी John the Elder, who wrote this book of Revelation, he talks about this rest from our own labor, own burden, not only now, but the age to come. So this would begin from now, from this world, and then we pass on to the other world, and then there also we are relieved. In Revelation, in chapter 14, verse 13.
और प्रकाशित वाक्या 14 उसकी 20 आयत में जब यहुन्ना प्रकाशित वाक्या में इस बात को बयान करता है कि कह रहा है कि हम अपने बोझ को अपने जो बर्डन को हम जब अभी के लिए नहीं परंतु आने वाली पीढ़ियों तक इसे लेके जाते हैं और वो कहता है कि हम इसको एक भारी नहीं परंतु हल्का अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं और आने वाले वक्त में भी इसको हम हल्का महसूस करेंगे. एंड सो फाइनली वी कंक्लूड दैट हाउ कम क्राइस्ट कैन इनवाइट अस लाइक दैट कम टू मी एंड टेक माय योक एंड यू विल फाइंड रेस्ट. देयर आर फाइव रीजंस बिहाइंड इट. और हम इस बात को किस रूप से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो और इसके पीछे 5 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं. सो क्राइस्ट इज जेंटल. नंबर 1 पहली बात कि वो जेंटल है, भद्र है. नंबर 2 क्राइस्ट इज हम्बल. और मसीही जो दीन है. नंबर 3 क्राइस्ट इज Caring. और मसीह हमारा ध्यान रखता है. नंबर 4 is he is concerned about each one of us empathetically. और चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह हम सब की चिंता करते हैं और वो हमारा ध्यान रखते हैं. And the number 5 is he is compassionate. और पांचवी बात वो दयालु है और हम पर दया करते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस 5 रीजंस ही कुड इनवाइट अस कम एंड देन ही कुड ऑफर अस रेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव टू टेक अप द योक हिज योक अपॉन अस एंड देन वी आर गारंटेड दैट वी विल गेट रेस्ट एंड पीस इन हिम. और इन 5 बातों की वजह से प्रभु यीशु मसीह हम सबको पुकार रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं कि आओ और मेरा बोझ तुम अपने ऊपर ले लो क्योंकि उसका बोझ हल्का है. और जब हम इन प्रभु यीशु मसीह के बोझ को अपने ऊपर लेंगे तब हम शांति पाएंगे, हम आराम पाएंगे. सो लेट अस नॉट मेक एनी मिस्टेक इन मिसअंडरस्टैंडिंग द वेलकम मैसेज ऑफ जीसस. लेट अस रेस्पॉन्ड टू हिम and let us relieve our burden to him and take his yoke on us so that we can truly find rest in him. aur uske bojh ko lene ke baad ko hum galat na samjhe aur jab hum un uske yesu ke bojh ko hum apne upar lenge to waqai mein wo hame aaram dega. aaiye hum apne aap ko uske haathon mein samarpit kare. may god bless each one of us. amen. prabhu hum sabko aashishit kare. Thank you, Dr. Gayan, for giving us the true meaning of giving our burden to Christ so that he makes it light. कि हम अपना बोझ यीशु मसीह को दे दें ताकि वो हमारा बोझ हल्का कर दे. एक वर्ष के बाइबल वर्ष के साथ हम इस जो चिंता को हम खत्म करेंगे. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verses 3-5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Verse 5, for as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. By Marcus, or Hindi mein padhenge? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण
परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। थैंक यू। सो लेट अस शेयर। आज खुदा हमसे कहता है कि अपना बोझ हम खुदा को दे और एक दूसरे के जो बोझ है हम उसको शेयर करें। लेट अस शेयर ईच अदर्स बर्डन। लेट अस प्रे। तेरे पिता परमेश्वर, हम जो बोझ लेकर दबे हुए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि इस बोझ को लेकर हम क्या करें, आज तेरी वाणी हमारे लिए आशा देती है कि हम अपना बोझ को लेकर तेरे पास आते हैं, तेरे क्रूस के पास आते हैं, तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तू सदा सर्वदा तैयार रहता है कि तू हमारा बोझ लेकर हल्का कर देगा। इस कोरोना वायरस के समय में जिन परिवार में दुख है, तकलीफ है, जो बोझ लेकर आज परेशान हैं, विवश हैं, तू उनको शांति दे और उनको प्रेरणा दे ताकि हम सिर्फ अपने बोझ के बारे में नहीं दूसरों के बोझ के बारे में भी सोचें, उसको शेयर करें। हम अपने आप को, अपने बोझ को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू डॉक्टर गाइन और सुमार के प्रैक्टिकल मैसेज के लिए। और आज की परिस्थिति में ये मैसेज हमारे लिए बहुत जरूरी था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से आप तीनों का कि आज की इस परिस्थिति में आपने इस वचन के द्वारा हमें बहुत प्रेरणा दी और हमारे विश्वास को और इस बात को बताने का प्रयास किया कि हम अपने बोझ को दबाए ना बल्कि हम उसे शेयर करें। आइए मेरे अजीजों, इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन पोस्टल क्रीड, भाई रसीन मेरे के साथ। आइए हम अपने विश्वास वचन को एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। रसूलों का कीदा। मैं खुदा कादरे मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आल में अरबा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की कयामत और अबदी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई रसीन। अब ये समय है अनाउंसमेंट का और मैं एक बार फिर से बिशप साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की अनाउंसमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर से सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम से। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। व्हाट ए प्लेजर, व्हाट ए प्लेजर। और मेरा दिल भर जाता है आप सबके प्यार से और ये जो चाहत है कि हम एवरी संडे वी आर कमिंग टुगेदर और हम मिलकर प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो पता नहीं, हर हफ्ता में ये बोलता हूँ, ये पता नहीं कि कब तक ये कोविड 19 ये जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर रहेगा, पर जब तक हम ये कर सकते हैं कम से कम ये वर्शिप में हम सम्मिलित होते हैं। मैं आज किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य दूर दूर से जुड़े हुए हैं, द फ्रेंड्स नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द डायसेस बट फ्रॉम फार प्लेसेस हु आर कनेक्टिंग विद अस एंड वन एंड ऑल मैं सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट मेंशनिंग नेम्स बिकॉज यू आर ऑल सो इम्पोर्टेंट टू अस एंड फॉर अस। प्रेयर रिक्वेस्ट, वी हैव प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर श्रद्धा और गौरव जो कि जो कोरोना वायरस का जो एक्सपोजर है क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं उसमें वो इन्फेक्शन का जो डर है
खुदा उनको उस रिस्क से बचाए जो रिस्क इधर वर्क प्लेस है। मिसेस वीना दास, उनके दांत में पेन है, टूथेक इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू बेयर, वो भी एक पेन भी एक बर्डन होता है। और उनके हस्बैंड के लिए जिनका स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करें। मिस्टर असित एंड हिज वाइफ, वो इस लॉकडाउन की वजह से दो डिफरेंट प्लेसेस में स्टक अप हो गए हैं और ये सेपरेशन का बोझ है, एंड देयर इज अ बर्डन ऑफ बीइंग सेपरेटेड वाइफ एंड हस्बैंड, और उनके लिए हम दुआ करें। बर्थडे मिसेस सरला, वाइफ ऑफ एगबर्ट, उनका जन्मदिन कल है, उनके लिए हम एडवांस में प्रार्थना करेंगे। आज मिस्टर माइकल जॉन, जो कि प्रिंसिपल ऑकलैंड बॉय स्कूल, उनका जन्मदिन आज है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फॉर अनाया डॉटर ऑफ कृष्ण सूरी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि पादरी शमशेर, उनकी मिसेस सोफिया जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, मैं पूछ रहा था उनका ट्रीटमेंट जो है, दे आर ओनली गिवन सम विटामिंस बट दे हैव टू गो थ्रू दिस, उनके लिए आप दुआ कीजिए। और बाकी जो चंबा कांग्रीगेशन के जो अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही हैं, द सीएनए एग्जीक्यूटिव कमिटी इज मीटिंग ऑन 11th एंड 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएनए की जिंदगी में अभी देयर आर क्राइसिस, और हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमारे लीडर्स को सन्मति देगा, गॉड विल गिव विजडम टू आवर लीडर्स सो दैट दे कैन हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन इन द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हमारे डायसिस में हम मंडे को, उसका मतलब है टुमोरो, we'll do the fasting prayer, okay? Let me repeat, कि executive committee के लिए हम हमारे diocese में कल fasting prayer करेंगे, और tomorrow जो हम 12 बजे से 1 बजे तक वो zoom के माध्यम में prayer में सम्मिलित रहेंगे, और उसके बारे में आपको जानकारी और भी देंगे। Those who want to join with us, please do join, because we believe The पावर ऑफ प्रेयर, की हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है, हो सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू। और एक बात बताना चाहता हूं कि जो अजय जो दाल भट्टी का है, उसकी कल शादी हुई है, एंड हिज वाइफ्स नेम इज रिविका, सो वी प्रे फॉर अजय। अजय को याद है that who lost his leg in the accident, and you all joined together helping him to get a prosthetic leg, jiske dwara wo chal pata hai, abhi college mein wo pad raha hai bearing mein, to uski shaadi kal hui hai, uske liye aur uski wife Vivika ke liye bhi prarthna karein. Thank you. Thank you Bishop saab is announcement ke liye, aur ये समय है प्रार्थना का। जितनी भी प्रार्थना की विनती इस समय की गई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेश लाल जी से, जो मनाली मसीह मंडली के प्रेसबिटेरियन चार्ज हैं, वो इन तमाम सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर दिनेश पटेल जी से कि वो प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और बिशप साहब जी आशीष वचन हमें देंगे। आइए हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद स्तुति जय जयकार करते हैं इस दिन के लिए पिताजी जो आपने हमें दिया। हम आराधना करते हैं प्रभु अजय के लिए, उसकी पत्नी के लिए दीपिका के लिए प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनकी शादी होने के लिए प्रभु मदद करी। उन दोनों को पिताजी हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते पिताजी कि आपकी अद्भुत और महान योजना उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पूरी हो। हम आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, और आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने अजय को संभाला, सहायता और मदद की। और प्रभु जब वो अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं एक परिवार के रूप में, आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई, मदद और सहायता करें। ऐसे प्रभु हम
श्रद्धा और गौरव के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी, कि जिस स्थान पे वो काम करते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इन दोनों बच्चों के लिए कि प्रभु आप उनको अपने कीमती लहू में छिपा कर रखें ताकि प्रभु वो सुरक्षित हों और आप ही प्रभु उनको बचाएं और आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन के द्वारा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस वीना दास के लिए जिनके दांत में प्रभु दर्द है पिताजी, आप उनको छुएं प्रभु और चंगाई दें। हम उनके पति के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनको स्किन की समस्या है, पिताजी आप उनको भी छुएं और चंगाई दें और आप प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करें। हम ऐसे प्रभु आश्रित और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी जो लॉकडाउन के कारण दो अलग जगह में रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति उनके संग हो और आप प्रभु मदद करें ताकि प्रभु जी वो आने वाले दिनों में एक हो सकें और आप प्रभु जी उनकी सहायता मदद करें और इन परिस्थिति में प्रभु जी इस आप प्रभु उनको संभालें सहायता और मदद करें। हम इस समय प्रभु मिसेस सरला के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी जब उनका कल जन्मदिन है। धन्यवाद पिताजी आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, आपके आशीषों के लिए जो आपने बहुतायत से प्रभु उनको दी हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के लिए कि आप प्रभु आने वाले दिनों में उनको अपने राज की बढ़ोतरी, अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए। हम ऐसे प्रभु अनन्या जो डॉटर ऑफ कृष्णा सूरी है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आपकी दया आपकी कृपा प्रभु उन पर हो और आप ही प्रभु उनको संभालें सहायता मदद करें और आपकी अद्भुत और महान योजना पिताजी उनके जीवन के द्वारा इस संसार में पूरी हो। हम ऐसे धन्यवाद देते हैं प्रभु मिस्टर माइकल जॉन के लिए जब आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास के लिए प्रभु आप उनको ब्लेस करें। धन्यवाद पिताजी आपके विश्वास योग्यता और आपकी भलाइयों के लिए, आप प्रभु उनको संभालें और आने वाले दिनों में प्रभु आपकी अद्भुत और महान योजना पिताजी उनके जीवन के द्वारा इस संसार में पूरी हो। हम प्रभु समय खासकर रेवरेंड शमशेर और प्रभु सोफिया के लिए और उनके साथ जो भी प्रभु उनके कलीसिया में जो भी लोग जिनको कोविड 19 हुआ पिताजी उन सबको तेरे चरणों में लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप अपने दास पर दासी पर प्रभु और बाकी लोग हैं प्रभु उन पर दया करें और होने दे प्रभु कि दुष्ट की कोई भी युक्तियां उनके जीवन के विरुद्ध प्रबल न होने पाए। प्रभु हम सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर प्रभु दया करें, अनुग्रह दें और आप ही प्रभु जी उन सबको संभालें सहायता और मदद करें। और इसमें प्रभु हम खासकर रेवरेंड अजय की मदर इन लॉ के लिए जो मिसेस आइडा पद्मनाथन, उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उन पर दया करें। आपने प्रभु अपनी दासी पर कृपा की और पिछले दिनों में आपने उनको संभाला है और आज प्रभु जब वो बीमार हैं हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि अपने सामर्थी हाथों से आप उनको छुएं, चंगाई दें और होने दे प्रभु की दुष्ट की कोई भी युक्तियां उनके जीवन के विरुद्ध प्रभु जी प्रबल न होने पाए। ऐसे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है 11 और 12 अगस्त को पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की होने दें जब आपके लोग प्रभु इकट्ठे होते हैं, आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनके अगुवाई करें और जो भी प्रभु चैलेंज उनके सामने हैं उसमें प्रभु आप उनकी मदद और सहायता करें। आज के इस दिन में प्रभु हम आपको दंडवत करते हैं, हम सबके जीवनों के लिए आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जयजयकार करते हैं, सारी महिमा बड़ाई आदर प्रभु आपको देते हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पास्टर दिनेश पटेल प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम हमारे जो प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना साथ में कहेंगे। हे हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कुसूरों को मुआफ कर कि हम भी अपने कुसूरवारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शरकत
मेरे सबके साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन।